हेलो चो, गुड इवनिंग। कैसे हो? बढ़िया बढ़िया होना चाहिए। और अभी कोरोना सीजन जारी है तो हमें घर से बाहर नहीं निकलना है, आवश्यकता पे बाहर निकलना है। सैनिटाइज करते रहना है, हाथ मुँह ढककर जाना है, जैसा बताया था आप लोगों को। लास्ट टाइम हुआ ज्योग्राफी का चैप्टर रिमेनिंग था, ज्योग्राफी के अंदर जैसे उसको डेवलपमेंट के अंदर सेकेंड वीडियो ऑनलाइन क्लास में आया, सेकंड उसका पीरियड है। इससे पहले मैंने सॉइल्स के बारे में बताया था और ब्लैक सॉइल तक हो चुका था आपका ना, मैक्स ऑफ सॉइल ब्लैक सॉइल तक हो गया था। मैं आशा करता हूँ फर्स्ट में आया होगा आपको लोग वहाँ पर। अब चलते हैं आगे, रेड एंड येलो सॉइल थर्ड है। रेड और येलो सॉइल के बारे में बताया, यह उस एरिया में पाया जाता है जो रेड और येलो सॉइल है, जो सूर्य एरिया में पाया जाता है जहाँ बारिश रेन जो है कम होती है। क्या होती है? कम होती है। और जहाँ क्रिस्टलाइन इग्नियस रॉक्स होते हैं, क्रिस्टलाइन इग्नियस रॉक्स जहाँ पर होते हैं वहाँ पर रेड और येलो सॉइल पाया जाता है। ज़्यादातर ये साउथ और ईस्टर्न पार्ट ऑफ डेक्कन प्लेट्यू, छत्तीसगढ़ और उड़ीसा में, उड़ीसा के कुछ हिस्सों में पाया जाता है। ठीक है। फोर्थ है लैटराइट सॉइल। यह सॉइल वहाँ पाया जाता है जहाँ पर बहुत ज़्यादा बारिश होती है, रेड और येलो सॉइल जहाँ पर बहुत कम बारिश होती है, लैटराइट सॉइल जहाँ पर बहुत ज़्यादा बारिश होती है और जहाँ का टेम्परेचर ही क्या होता है, हाई रहता है। टेम्परेचर क्या होता है? हाई रहता है। यहाँ पर ह्यूमस कम होती है। क्या होती है? ह्यूमस कम होती है क्योंकि हाई टेम्परेचर की वजह से बैक्टीरिया मर जाते हैं। लेकिन अगर खाद और फर्टिलाइजर्स अच्छी तरह से इस्तेमाल करें तो यहाँ पर खेती भी की जा सकती है। यह सॉइल हमें कर्नाटका, केरला, तमिलनाडु, मध्य प्रदेश और हिली रीजन्स जैसे उड़ीसा और आसाम में पाया जाता है। यहाँ पर ज़्यादातर कॉफ़ी और टी की फार्मिंग की जाती है। फिफ्थ आता है हमारा एरिड सॉइल। एरिड सॉइल क्या होता है? यह दिखने में रेड और ब्राउन टाइप के होते हैं। कौन कौन से टाइप के होते हैं? रेड एंड ब्राउन टाइप के। यह बहुत ज़्यादा रेतीला होता है और वह खारा भी होता है। इस पर क्या होता है? खारा भी होता है। यहाँ ज़्यादातर हाई टेम्परेचर और लो रेनफॉल वाले एरिया में पाया जाता है, जहाँ पर टेम्परेचर हाई हो और रेनफॉल क्या हो, लो हो, वहाँ पाया जाता है। इस सॉइल में मॉइस्चर और ह्यूमस की कमी होती है। मॉइस्चर और ह्यूमस क्या होती है? कमी होती है। और अगर खेती करनी है तो बहुत सारा पानी चाहिए होता है। यह सॉइल में ज़्यादातर में वेस्ट पार्ट ऑफ राजस्थान में पाया जाता है। सिक्स है फॉरेस्ट सॉइल। फॉरेस्ट सॉइल या हिली रीजन जो होती है जहाँ पर बारिश ठीक ठाक होती है, जहाँ बारिश हिली रीजन में जहाँ पर ठीक ठाक बारिश होती है वहाँ पर पाया जाता है। नॉर्मली यह सॉइल जो है फर्टाइल होता है, पर अगर जिन पहाड़ों पर बर्फ गिरती है, बर्फ बर्फबारी होती है तो यह कम फर्टाइल हो जाता है और एसिडिक भी हो जाता है। इसकी वजह से बर्फबारी की वजह से यह नॉर्थ इंडिया में जहाँ पर हिमालयस है वहाँ पर ज़्यादातर पाया जाता है। तो आपका चैप्टर यहीं पर इतना ही इम्पोर्टेंट पॉइंट्स लगे मुझे तो मैंने बताया। चैप्टर यहाँ पर कंप्लीट होता है और जो भी आपकी परेशानी आती है, जो भी परेशानी आती है इस सारी बात उसमें दोबारा डिस्क्राइब कर दी, या फिर ये बार टॉपिक आपको समझ में नहीं आया तो उस टॉपिक को कमेंट कर दें, है ना। कमेंट करना है और बताऊँगा मैं आपको कि इसका मतलब क्या है, स्पेशल फुल हो जाता है। तो आपका होमवर्क क्या है? होमवर्क यही है, आपको लेसन फर्स्ट ज्योग्राफी का है इसे कंप्लीट रीडिंग करना है। क्या करना है? कंप्लीट रीडिंग करनी है और जो भी टॉपिक आपको सॉल्व ही नहीं आया, रीडिंग करने के बाद समझ आया है आपको, और समझने के बाद जो टॉपिक आपको समझ नहीं आया तो क्या करना है? कमेंट करना है, इससे मैं आपको दोबारा से डिस्क्राइब कर सकता हूँ। ठीक है।
वही वाला काम है आपका। आप कल तक बयान चुके रहा था सर, आप इसमें क्वेश्चन आंसर नहीं करा रहे बेटा। बुक्स अवेलेबल नहीं थी मेरे पास, बुक्स आ गई हैं, अपने एनसीईआरटी बुक मेरे पास है। तो जो भी क्वेश्चन आंसर्स होंगे, जो भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन होंगे वो मैं आपको कराऊँगा, फिर आप यूट्यूब पर भेज दूँगा क्लिक करने के बाद आंसर सहित, इससे आप उसको बुक कर सको और अगर टेस्ट होंगे इसमें आप कंप्लीट कर सको, ठीक है। तो मैं आशा करता हूँ आपको जो मैंने समझाया है सवाल्स के बारे में वो सवाल्स रह गए थे, सेकेंड वीडियो में बता रहा हूँ लाइव क्लासेस में, जो आपको समझ में आया होगा। और नहीं आया तो कमेंट जरूर करें, हमारा वीडियो कैसा लगता है भाई। कमेंट बहुत कम आ रहे हैं आप लोगों के, वीडियो कैसा लग रहा है आप नहीं कुछ कमेंट कर रहे हो, बस खाली देख के खाली छोड़ देते, कमेंट जरूर करें ये वीडियो किस प्रकार से आपको लग रहा है और क्या चेंजेस चाहते हो, आवाज़ क्लियर है कि नहीं है पहले से, और कुछ इम्प्रूवमेंट चाहते हो आप इसके अंदर, वो भी अपनी सजेशन लिखें उसके अंदर। लाइक करें वीडियो को कैसा लग रहा है आपको, ठीक है। दूसरी बात, टेंथ क्लास के बच्चे देख रहे हैं उसको मैं इन्फॉर्मेशन देना चाहता हूँ, क्योंकि हमने कुछ बच्चों के पास कॉल किया था कि आपको रजिस्ट्रेशन कराना है, जो बच्चों ने आपके पास कॉल नहीं किया है वो दोबारा इस बात को ध्यान रखें। आपको बताना चाह रहा हूँ कि आपको रजिस्ट्रेशन कराना है और स्कूल में आके संपर्क करना है 9 से लेकर 11 बजे के बीच, सुबह 9 बजे से लेकर और 11 बजे के बीच में आपको स्कूल में आके पापा मम्मी आपके साथ आपको नहीं आना, पापा मम्मी को भेजना है, ठीक है। आप नहीं आओगे, पापा या मम्मी को भेजना है, इससे वो कंसल्ट कर सके रजिस्ट्रेशन फीस कितनी है, उसके बाद क्वेरी करनी है, पता करना है, डॉक्यूमेंट्स क्या क्या लगेंगे आपके वो बता रहा हूँ मैं। दो आधार कार्ड लेके आने हैं, आपकी फ़ोटो कॉपी लेके आनी है आधार कार्ड की, और 4 पासपोर्ट साइज़ फ़ोटो, जिसमें से 2 फोटो ऐसे होंगे जिसमें आपका यहाँ पर स्लेट पर नाम लिखा होगा और डेट लिखी होगी, ठीक है। 2 फोटो इस प्रकार के होंगे, 2 फोटो सिंपल रहेंगे जिसमें वो चीज़ नहीं होगी, ठीक है। और ये इन्फॉर्मेशन अपने पापा मम्मी को दे दें, उनको नहीं पता तो बता दें, इससे आपके आपकी जो रजिस्ट्रेशन है वो हो जाए और आपका हिसाब खराब ना, ठीक है। मैं आशा करता हूँ आपको जितने बातें बताई हैं तो समझ में आई होंगी। मिलते हैं अगली आपकी लाइव क्लास में, तब तक के लिए मेरी तरफ से गुड बाय, टेक केयर।